आओ चलें मेरे नए गांव में। नमस्ते दोस्तों, मैं एक पक्षी हूँ। मेरा नाम चीची है। मैं जलवायु परिवर्तन के लिए प्रवास करती हूँ। प्रवास का अर्थ है यात्रा पर जाना या दूसरे स्थान पर जाना। पर मैंने देखा है कि मनुष्य भी कई कारणों से प्रवास करते हैं प्रवास का तात्पर्य मानव समुदाय के एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में प्राकृतिक आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि कारणों से स्थानांतरण से है परंतु मैंने देखा है कि कई बार मनुष्य को विभिन्न कारणों से प्रवास करना पड़ता है जैसे बेरोजगारी कम निजी अवसर प्राकृतिक असंतुलन राजनैतिक प्रभाव और भय भेदभाव प्रदूषण अनुचित पाठशाला आइए ऐसे ही एक परिवार के घर चलते हैं जो अभी अभी मेरे गांव में एक अन्य गांव से प्रवास करके आए हैं, उनकी एक बेटी है जिसका नाम तारा है तारा और मैं दोस्त बन गए हैं तो चलिए देखते हैं कि तारा और उसका परिवार प्रवास की वजह से किन कठिनाइयों से गुजर रहा है इस वीडियो के उद्देश्य है क प्रवास के कारणों को जानना ख प्रवास के परिणाम को समझना ग समझना कि प्रवास का मुख्य रूप से बच्चों की शिक्षा पर क्या असर पड़ता है तारा कहाँ हो तुम तारा शायद अपने पिताजी के साथ खेत गई है अरे चीची कैसी हो नमस्ते मौसी मैं ठीक हूँ आप कैसी हैं क्या बताऊं चीची इस गांव में मन ही नहीं लग रहा है अपना पुराना गांव बहुत याद आता है क्यों मौसी क्या हुआ हमारा पुराना गांव बिहार राज्य में था हम वहाँ कई सालों से रहते थे वहाँ बहुत हरियाली थी हमारे सभी रिश्तेदार और मित्र भी वहीं रहते थे तारा के पिताजी वहाँ खेत में काम करते थे और तारा वहाँ स्कूल में पढ़ती थी पर सरकार ने वहाँ नदी पर बांध बनाने का निश्चय किया हमारा खेत नदी के पास ही था और जिन लोगों के खेत या व्यवसाय नदी के पास थे उन्हें वहाँ से काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर प्रवास करना पड़ा ये तो सही नहीं था अरे देखिए तारा आ गई पर तारा इतनी उदास क्यों लग रही है तारा क्या हुआ तुम्हें तुम इतने उदास क्यों हो चीची, मेरा यहां कोई दोस्त नहीं है मैं किसके साथ खेलूं? क्यों तारा स्कूल में दोस्त नहीं बने क्या नहीं चीची मुझसे कोई बात नहीं करता मैं नई हूं ना यहाँ शायद इसीलिए कोई बात नहीं तारा कुछ दिनों में दोस्त बन जाएंगे तुमने पिछली बार भी यही कहा था माँ पर दिल्ली में भी मेरे कोई दोस्त नहीं थे मुझे तो बिहारी वापस जाना है वहां मेरे सभी दोस्त रहते हैं और दादी माँ भी तो वहाँ ही है मुझे उनकी बहुत याद आती है दादी माँ क्या तुम्हारी दादी माँ बिहार में ही है वे तुम्हारे साथ नहीं आई चीची वो बहुत बूढ़ी हो गई है ना इसीलिए हम उन्हें अपने साथ नहीं ला पाए कई लोग जिन्होंने गांव से प्रवास किया वे अपने छोटे बच्चों को और बूढ़े माँ बाप को वहीं छोड़ आए क्योंकि नई जगह पर काम मिले इसकी उम्मीद कम ही होती है ये तो अच्छी बात नहीं है पर तारा मौसी बता रही थी नदी पर बांध बनने वाला था इसीलिए तुम लोग यहाँ से वहाँ भटक रहे हो ये बांध क्या होता है बांध नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है तथा इसको कई प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है अच्छा तो क्या इसीलिए तुमको अपना गांव छोड़ना पड़ा तो क्या बांध उपयोगी नहीं है नहीं चीची बांध बहुत उपयोगी है बांधों का उपयोग सिंचाई पीने का पानी बिजली बनाने तथा पुनः सृजन के लिए जल के भंडारण में होता है बांधों से बाढ़ नियंत्रण में भी सहायता मिलती है इतने सारे उपयोग तो फिर आपको वहाँ से क्यों आना पड़ा क्योंकि बांध बनाने के लिए आसपास के गांव खाली करने पड़ते हैं क्योंकि जब नदी में बाढ़ आती है या नदी का स्तर बढ़ जाता है तो आसपास के गांव बह सकते हैं इसीलिए जो लोग वहां रहते हैं उन्हें कहीं और पलायन करना पड़ता है अच्छा लेकिन बांध बनाने के लिए पूरा गांव क्यों खाली करवाना पड़ता है क्योंकि बांध बनाने के लिए एक बहुत बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है और उसके आसपास आबादी वाले क्षेत्र नहीं होना चाहिए वह देखो तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं और उनके साथ और कोई भी है अरे हाँ यह तो रामू काका है यहाँ के मुकदम वे बहुत मददगार हैं। नमस्ते काका नमस्ते तारा की माँ कुछ खाने को दे दो बहुत भूख लगी है ये हैं रामू जी ये हमारी मदद करेंगे मैं इनसे कुछ पैसे उधार लूंगा और इनके खेत में काम करूंगा नमस्ते रामू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तारा के पिताजी को कुछ काम नहीं मिल रहा था नहीं नहीं आप लोगों का परिवार मेरे परिवार जैसा है एक दूसरे की मदद तो करनी चाहिए आपको तो पता है रामू जी कि हम कितने महीनों से इस शहर से उस शहर भटक रहे हैं पहले बिहार से दिल्ली गए वहाँ कोई रोजगार नहीं मिला कुछ महीने वहाँ रहे फिर यहाँ मेरठ चले आए कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा इन्हें प्रवास के कारण अपना गांव छोड़ना पड़ा अपने परिवार वालों को भी छोड़ना पड़ा अपना खेत और अपना व्यवसाय छोड़ के एक शहर से दूसरे शहर भटकना पड़ा दोस्तों क्या आप किसी को जानते हैं जिसने किसी कारणवश प्रवास किया हो हाँ, मैं समझ सकता हूँ और इसका सबसे बड़ा भुगतान यह बच्चे भरते हैं, क्योंकि इनकी शिक्षा पर असर पड़ता है हाँ सही बोल रहे हैं आप तारा का स्कूल बहुत अच्छा था और उसके वहाँ बहुत सारे मित्र थे हाँ माँ मुझे मेरे दोस्तों की बहुत याद आती है और वहाँ कितनी हरियाली और शांति थी तारा बिटिया चलो मैं तुमको अपनी बेटी से मिलवाता हूँ वह तुम्हारी दोस्त बन जाएगी चीची जाओ तारा को बसंती के पास ले जाओ जी रामू काका चलो तारा बसंती अरे चीची कब आई और ये कौन है तुम्हारे साथ बसंती यह तारा है तारा और उसका परिवार कुछ दिन पहले दिल्ली से आए हैं पर उससे पहले वे बिहार में रहते थे वहाँ नदी पर बांध बन रहा था इसीलिए इन सबको अपना गांव छोड़कर पहले दिल्ली फिर मेरठ आना पड़ा अच्छा अरे चीची इन्होंने भी तुम्हारे जैसे प्रवास करा तुम भी तो गर्मियों में ठंडी जगह पर चली जाती हो क्योंकि यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है हाँ बसंती पर मुझे इतने मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता तारा आओ अंदर आओ तारा बसंती भी तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ती है अच्छा बसंती तारा की कोई दोस्त नहीं है क्या तुम उससे दोस्ती करोगी हाँ हाँ अवश्य तारा और बसंती गले लगती हैं और खेलने लगती हैं कितनी खुश लग रही है तारा अपने दोस्त छोड़कर आना कितना कठिन होता है ना दोस्तों क्या आपको कभी अपने किसी दोस्त को छोड़ना पड़ा है तुम कितनी अच्छी हो बसंती जब मैं बिहार से दिल्ली गई थी तब मेरे कोई दोस्त नहीं बने मैं बहुत दुखी थी हाँ तारा तुमने एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करने की वजह से बहुत कठिनाइयों का सामना किया है पता है बसंती? मेरे गांव में बहुत हरियाली थी और मैं और मेरी सहेलियां माँ के साथ नदी पर जाकर गीत गाते थे फल तोड़कर खाते थे पर दिल्ली में तो बहुत शोर था हाँ सच में महानगरों में तो बहुत शोर है बड़ी बड़ी इमारतें और कितने सारे वाहन और प्रदूषण है वहाँ पेड़ भी बहुत कम है इसीलिए वहाँ की वायु भी शुद्ध न होकर प्रदूषित है पर गांव से बहुत लोग महानगरों में प्रवास करते हैं क्योंकि वहाँ रोजगार के बेहतर अवसर हैं। हाँ चीची वे गीता का परिवार भी तो मुंबई प्रवास कर गए क्योंकि उसके पिताजी का यहाँ से तबादला हो गया तबादले और प्रवास में अंतर होता है तबादले में नौकरी सुरक्षित होती है और प्रवास में व्यवसाय ढूंढना पड़ता है हाँ बसंती लेकिन तबादले और प्रवास में अंतर है गीता के पिताजी की मुंबई में नौकरी लग गई थी इसीलिए वे वहाँ चले गए थे पर तारा के परिवार को सब छोड़ के आना पड़ा क्योंकि वहाँ नदी पे बांध बन रहा था और उसकी वजह से बहुत सारे परिवारों को प्रवास करना पड़ा ऐसे ही कई परिवारों को मौसम की वजह से प्रवास करना पड़ता है जैसे बहुत ठंड के क्षेत्रों में सर्दियों में कड़ाके की ठंड के कारण लोगों को वहाँ से कुछ महीनों के लिए सब छोड़कर पलायन करना पड़ता है हाँ कई लोगों को कम वर्षा के क्षेत्रों से भी प्रवास करना पड़ता है क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती और गर्मियों में सिंचाई का कोई साधन नहीं होने के कारण उनको कहीं और जाना पड़ता है सच में उन सब लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हाँ पर अगर तुम्हारे जैसे दोस्त मिल जाए तो कठिनाइयाँ कम लगने लगती है धन्यवाद बसंती अब मुझे चलना चाहिए स्कूल में मिलते हैं तारा हाँ बसंती तारा और मैं बातें करते हुए उसके घर से लौट आए माँ माँ कहाँ है आप पता है मैंने आज एक नई दोस्त बनाई अच्छा ये तो अच्छी बात है चलो लगता है इस बार शायद हम इस गांव में बस सकेंगे और हमें और किसी गांव या शहर में प्रवास नहीं करना पड़ेगा आज पिताजी को काम भी मिल गया है और तुम्हें एक दोस्त धन्यवाद चीची कोई बात नहीं मौसी अच्छा मैं भी चलती हूँ कल मिलते हैं तारा देखा आपने दोस्तों मनुष्य को प्रवास की वजह से कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कभी आर्थिक तो कभी सामाजिक और इसका परिणाम सारे परिवार को भुगतना पड़ता है आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना होगा की प्रवास से एक परिवार पर कितना गहरा असर पड़ता है तो अगर आपके गांव में ऐसा कोई परिवार है जो कहीं और से प्रवास करके आया हो तो आप उनके मित्र जरूर बनना और उनकी मदद भी करना